सलाम आदाब दोस्तों, वेलकम टू द चैनल, आई होप यू ऑल आर गुड। दोस्तों इस वक्त मैं हूँ कोटला बाजार में, लेकिन जा रहा हूँ जौनपुर डिस्ट्रिक्ट। जौनपुर शहर की पहले ही मैंने बहुत सारी वीडियो बनाया है, वो आप लोग ज़रूर देखिएगा। आज चलते हैं जो आज़मगढ़ से जौनपुर का हाईवे है उसका मज़ा उठाते हैं, और जो भी बाज़ार वगैरह रास्ते में आएगी वो भी मैं पूरी दिखाने की कोशिश करूँगा। हाईवे बहुत ही ज़्यादा प्यारा बन चुका है, मैं कई मरतबा जा चुका हूँ। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, आज आज़मगढ़ और जौनपुर का हाईवे देखते हैं। रहा जायका दरबार ढाबा, इसकी वीडियो मैंने पहले से ही बनाया है, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। बहुत ही खूबसूरत ढाबा है ये, आजमगढ़ हाईवे का सबसे बेहतरीन ढाबा है अभी तक का। पहुंच चुके हैं इस वक्त मोहम्मदपुर के पास, और यहीं से दो रास्ता जाता है, एक तो जाएगा जौनपुर के साइड और एक जाएगा बनारस के साइड। जो बनारस का हाईवे है मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको दिखाया है, वो भी ज़रूर जाके देख लीजिएगा। इस साइड अगर हम लोग जाते हैं तो बनारस चले जाएंगे। देखिए ये पूरा हाईवे इस वक्त बन के तैयार है लगभग, और इस साइड हमको जाना है मोहम्मदपुर बाज़ार से होते हुए जौनपुर की साइड। मोहम्मदपुर बाज़ार जो कि हम लोगों के लिए सबसे बेहतरीन बाज़ार थी एक वक्त में, जब हम यहाँ पे पढ़ा करते थे अमजद अली इंटरमीडिएट कॉलेज में। ये बाज़ार है गंभीरपुर बाज़ार, जो कि मोहम्मदपुर बाज़ार के बाद की पहली बाज़ार है। बहुत बड़ी बाज़ार नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो बाज़ार के अंदर है अभी फुल तरीके से पीडब्ल्यूडी ने तोड़ा ताड़ी नहीं किया है, तो अंदर की बाज़ार में तो हाईवे नहीं बनाए, लेकिन उसके बाद से बाज़ार जैसे ही ख़त्म होती है उसके बाद से यहाँ से फिर हाईवे शुरू हो जाता है। जब भी रोड अच्छे बनते हैं ना बहुत ज़्यादा देख के अच्छा लगता है, क्योंकि जब रोड अच्छे होते हैं तो टाइम की बचत होती है, और कहीं किसी को इमरजेंसी में जाना भी है, हॉस्पिटल वगैरह है, कोई भी जगह जाना है तो वो आसानी से जल्दी से पहुंच जाता है बिना किसी परेशानी के। बड़ा अच्छा लगता है ऐसी जगहों पे चल के, और आज का मौसम आप लोग देखिए बड़ा सुहाना मौसम है, और रोड भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, जिसकी वजह से ये सफ़र मुझको तो बहुत अच्छा लग रहा है। बाजार की मशहूर चने की शॉप, यहाँ ये लोग बरसों से काम कर रहे हैं। चना यहाँ का बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है जो मैंने सुना है, अभी मैं ट्राई करता हूँ। अच्छा दोस्तों, यहाँ चने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें मिल रही है, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं। अच्छा भाई आप बताइए कि यहाँ पे खासियत क्या है इनका, जो नमकीन है ना जी, जो आइटम डालते हैं बहुत अच्छा लगता है। ये हमारी टेस्टिंग के लिए इन्होंने चना दिया है, और उसमें और भी मल्टीपल चीज़ें मिलाई है, और हरी मिर्ची की ये चटनी है और इसके साथ चना। यहाँ पे भाई साहब देखिए यहाँ पे चटनी बना भी रहे हैं, यहाँ पे एकदम मतलब ऑथेंटिक चीज़ें हैं, सारी देसी चीज़ें, और यहाँ पे ये खुद ही ये सारी चीज़ बनाते हैं, जो भी चना है और उसके साथ जो भी आइटम है।
खुद ही ये फ्राई करते हैं या जो बनाने वाली चीज़ें कूट पाट के ये सारी चीज़ें तैयार खुद करते हैं। एक भाई साहब से और मुलाकात हुई, ये भी चना लेने के लिए आए हैं। आपका घर कहाँ सर? आजमगढ़। आजमगढ़ में ही, मतलब आजमगढ़ शहर में है कि यहीं? शहर में। तो यहाँ पे कैसे आप आए हैं? जौनपुर जा रहे हैं। जौनपुर आप जा रहे हैं? देखिए इत्तेफाक, मैं भी जौनपुर जा रहा हूँ, सर भी जौनपुर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे रुक के ले रहे हैं। यही है, यानी ये जो ठकमा बाजार का एक ना वन स्टॉप बन गया है, यहाँ पे लोग रुक के फिर आगे जाते हैं। टॉप क्लास की दुकान भाई कह रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, थैंक यू सो मच। बोलते हैं मुंह में एकदम पानी भर गया है, कसम से बचपना याद आ गया। बहुत दिनों बाद चना जोर गरम जैसी चीज़ें खाया हूँ, और जो वाकई में इनका चना ना बड़ा सॉफ्ट है, बहुत अच्छा है। और यहाँ पे जो चना मैंने सुना था भाई कि जो बिना छिलके के भी मिलता है चना? नहीं, छिलवाते हैं लोग। अच्छा, छिलवाते हैं बाकायदा, इसके लिए आप मशहूर हैं। और जो गल्फ वगैरह में जाता है इसीलिए जाता है कि उसके ऊपर छिलका नहीं रहता है, खाली वो जो प्योर रहती है ना, प्योर चना जो रहता है वो सिर्फ रहता है। तो इसकी वजह से लोग यहाँ पे आते हैं, इन्जॉय करते हैं। तो आप लोग भी ज़रूर आइए, मुझको ये सफ़र बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है अभी से, आगे का सफ़र आप लोग ज़रूर इन्जॉय कीजिए। चना वाले के पास की वीडियो बना लिया और अब निकल गया हूँ फिर से जौनपुर के साइड। बाज़ार तो बड़ी है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है क्या बनाऊँ और बाज़ार में, और किसी ने कमेंट भी नहीं किया था, लेकिन एक चीज़ मुझको मशहूर लगी तो इसलिए मैंने बनाया, और वहाँ पे लोगों ने भी उसका प्रूफ दिया कि रैली में ये चीज़ बड़ी मशहूर है ये जगह। यहाँ पे फ्यूल स्टेशन है, वहीं से फ्यूल ले रहा हूँ, और सोचा कि पूछ भी लूँ कि बादशाहपुर का रोड कैसा है, अंदर का खड़बड़ा है कि बन गया है? नहीं, अभी तो खड़बड़ा बन रहा है, अभी बन रहा है ना। और ये मतलब बाईपास से जाना बेहतर है जौनपुर? हाँ, बाईपास से, बाईपास से जाना बेहतर है, भाई बोल रहे हैं, तो बाईपास से चलते हैं ताकि आपको बाईपास और अच्छे तरीके से दिखा सकें। ये दोस्तों बाईपास से पहले, जस्ट पहले ही ये फ्यूल स्टेशन है। तो ये जो रोड है ये सामने आप जो देख रहे हैं यही जाएगा बादशाहपुर, और ये है बाईपास। चलते हैं बाईपास से होते हुए जौनपुर। तो देखिए पास में ही नहर है हाईवे के, बहुत अच्छा लग रहा है, और चारों तरफ आपको हरियाली देखने को मिलेगी क्योंकि छोटे छोटे गाँव हैं आसपास, तो लोगों के खेत वगैरह यहाँ पे है, बहुत अच्छा देखने में मुझको तो लग रहा है। यहीं पे हाईवे कनेक्ट हो जाता है पुराने आजमगढ़ जौनपुर रोड पर, जो कि बादशाहपुर और चोरसन से होते हुए आता है। बस एक बात ये नहीं समझ में आती है कि इस हाईवे पे एक रेलवे क्रॉसिंग है, इसको इन लोगों ने क्यों नहीं ख़त्म किया, ब्रिज वगैरह क्यों नहीं बनाया, या आगे का कुछ प्लान होगा तो अलग बात है। देखिए पूरी ट्रक्स की लाइन लगी हुई है, देखिए तब तक ट्रेन भी आ गई है। क्रॉसिंग से क्रॉस करती ही हाईवे के दोनों साइड छोटे बड़े ये होटल जो होते हैं चाय पानी करने के लिए बहुत सारे मिल जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट है, रोड साइड रेस्टोरेंट है, और आप लोग देख सकते हैं कि भीड़ लगी हुई, लोग खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। भाई आप क्या लिए हैं? छोला समोसा लिए। छोला समोसा, मैंने भी इससे पहले यहाँ का टेस्ट किया, बहुत अच्छा है। ये बर्फी जो है, बर्फी खोए की,
नंबर वन है अच्छा। तो आप यहाँ के हैं कि मतलब कस्टमर हैं? हम कस्टमर हैं। अच्छा कस्टमर हैं। यहाँ पे आके खाते हैं। वाह, मतलब 50 किलोमीटर दूरी। ये नाम आप देख लीजिए इसका होटल का। वैसे तो यहाँ बहुत सारे होटल हैं, आप जहाँ भी जाना चाहे जा सकते हैं, लेकिन ये मेरा पसंदीदा होटल है जहाँ मैं लास्ट टाइम भी आया था और इस मरतबा भी आप लोग को दिखा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों आगे का सफ़र इंजॉय करते हैं। यहीं से दोस्तों जौनपुर सिटी की सरहद शुरू हो जाती है। सबसे पहले आपका वेलकम करेगा यह खूबसूरत प्रसाद इंटरनेशनल स्कूल। दोस्तों इस वक्त मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका हूं और आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं यह है जौनपुर की शाही मस्जिद। जौनपुर एक अजीम सल्तनत थी एक वक्त में। तो जौनपुर में जो हिस्टोरिक चीज़ें हैं सारी चीज़ों की मैंने डिटेल वीडियोस बनाया है। ये जो प्लेलिस्ट यहाँ पे आ रही है जौनपुर की, इस पर क्लिक कीजिए, आप जाके जौनपुर की सारी वीडियो देखिए। जौनपुर सिटी की, जौनपुर ज़िले की बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। सो दोस्तों एज ऑलवेज कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप लाइकिंग, कीप कमेंटिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। गॉड ब्लेस यू लवली पीपल।